बोकारो में BCCL का दुग्धा कोलवाशरी पिछले 1.5 महीने से ठप पड़ा है। यहां से बोकारो इस्पात जैसे संयंत्र को वाश कोल की आपूर्ति की जाती थी। यह वाशरी 1961 में अस्तित्व में आया था, जिसका रोज का उत्पादन 3,000 टन था। वर्तमान में इसका प्रोडक्शन मात्र 1,500 टन रह गया और फिलहाल कुल 392 कर्मचारी आज इसमें कार्यरत हैं। बता दें कि BCCL की उदासीनता और राजनीति के कारण ये वाशरी बंदी के कगार पर खड़ा हो गया है। इस पर ना तो BCCL मैनेजमेंट ध्यान दे रहा है और ना ही जिला प्रशासन। बंदी का कारण जिले के माइनिंग विभाग के द्वारा कॉल रॉयल्टी को भी माना जा रहा है। वाशरी बंद होने का डर 392 कर्मचारियों को भी सता रहा है। इस मामले में यूनियन के नेता BCCL मैनेजमेंट को दोषी मान रहे हैं। इनका कहना है कि मैनेजमेंट बंदी की साजिश कर रही है, वहीं केंद्र सरकार इसे बचाने का प्रयास तक नहीं कर रही है। आज दुग्धा क्षेत्र के आसपास की करीब 50,000 की आबादी इस वाशरी पर निर्भर करती है, जिनकी रोजी रोटी छीनने का भी डर खाया जा रहा है। इस तरह से प्लांट आपका बंद है और प्लांट में जितने हमारे लगभग 392 कर्मचारी हैं, सारे लोग अपना ड्यूटी में जाते हैं और ड्यूटी में समय बिता करके अपना घर चले जाते हैं, लेकिन कंपनी का कोई काम नहीं होता। इसमें कुछ रेवेन्यू का सवाल है, जिसके चलते इसमें लेकर उसको लेकर के ये प्लांट बंद। कुछ अरंगल झारखंड सरकार का रेवेन्यू का लगा हुआ है फैक्ट्री इंस्पेक्टर इसके तरफ से, और उसमें समझिए कि लाखों लाख का डेली नुकसान हो रहा है भारत कोकिंग कोल का, साथ ही इसमें झारखंड सरकार का भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। और दूसरे तरफ हमको तो लगता है कि मैनेजमेंट की ये मिली भगत है, एक साजिश है कि धीरे धीरे इतना घाटा में इसको ला दिया जाए, लास्ट में ही वाशरी बंद करने के कगार पर आ जाएगा। कंपनी लास्ट में हाथ उठा देगा कि इतना घाटा में आ गया कि इसको हम चलाने में सक्षम नहीं है। BCCL प्रबंधन के वाशरी बंद करने का साजिश चल रहा है। वाशरी तो विगत महीना से ऊपर से बंद है, गुलाब जी आपको बतलाए हैं। ये मैनेजमेंट का कोल इंडिया का साजिश है, जो प्लांट को बंद कर दिया जाए और BJP गवर्नमेंट जो है सो मजदूर विरोधी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।